सभी सब्जियों में स्वाद बनाने वाला टमाटर राजा इस समय बारिश के सीजन में लाल पीला हो रहा है। बारिश में टमाटर की आवक कम होने से भाव आसमान छूने लगा है। भाव के मामले में अगर बात करें तो टमाटर राजा को ताव आ रहा है। बरसात का सीजन शुरू होते ही टमाटर राजा के साथ साथ सभी प्रकार की हरी सब्जियां भाव खाने लगती हैं। टमाटर राजा का फुटकर भाव इस समय 70 से 80 रुपए किलो चल रहा है। टमाटर दिखने में जितना लाल है उतना ही लोगों की जेबों की हालत बेहाल हो रही है। टमाटर के अलावा प्याज भी 40 से 60 रुपए किलो बिक रही है। सब्जी तो आसमान छू रही है, हम कुछ खा ही नहीं सकते। टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं, बारिश की वजह से सारे सब्जियां महंगी कर दी हैं लोगों ने। शिमला मिर्च नहीं खा सकते, पर टमाटर हर चीज के रेट बढ़े हुए हैं। रेट बढ़ने से घर का बजट बिगड़ा ही है, हम क्या खाएं? सब्जियां ले नहीं सकते, हर चीज महंगी है। अरवी का भी भाव प्रति किलो इस समय 60 से 70 रुपए किलो है, जबकि भिंडी रानी का हाल भी बुरा है। आलू राजा का भाव भी खूब परवान चढ़ रहा है, आलू भी 30 से 40 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। शिमला मिर्च बैगन भी 50 रुपए से ऊपर बिक रहे हैं। सब्जियों का भाव परवान चढ़ने की वजह से लोगों की जेब की हालत खराब हो रही है। इन दिनों में तो बारिश की वजह से जो फसलें पानी की वजह से हो जाती है, कमाना हो जाता है माल ऊपर से, इसलिए महंगा हो रहा है। और क्या है, दुकानदारों की माने तो इस समय लोकल सब्जियां खत्म हो चुकी हैं। यही वजह है कि सब्जियां महंगी हो गई हैं। इस समय टमाटर से लेकर हरी सब्जियां सभी बेंगलुरु से आ रही हैं, जिसकी वजह से सब्जी का भाव आसमान छू रहा है। दूसरी तरफ बारिश ने कसर पूरी कर ली है। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।